मुझे पता है तुम एग्जाम में 100 में से 100 लाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम ला सकते हो। मुझे पता है कि तुम्हारा सपना है टॉपर बनना, लेकिन तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम टॉपर बन सकते हो। मुझे पता है यार कि तुम दिन के 18-18 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम पढ़ पाओगे। तो मेरे भाई, तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ। इस वीडियो में मैं ऐसे 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिसे अप्लाई करने के बाद 100 क्या, अगर 100 से भी ज्यादा लाना हो तो ला सकते हो, आई गारंटेड। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मुकेश अंबानी, ये ऐसे लोग हैं ना जिनके जैसा पूरी दुनिया बनना चाहती है। ये ऐसे लोग हैं ना जिनकी मुट्ठी में पूरी दुनिया है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में। ये लोग ऐसे हैं ना जो पूरी दुनिया को इधर से उधर कर सकते हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में। ये वही लोग हैं जो पूरी दुनिया पे राज करते हैं, और ये बात तुम भी जानते हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये भी एक नॉर्मल इंसान ही है यार, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन ये लोग इतना रिच, सुपर सक्सेसफुल, पावरफुल इंसान कैसे बन पाए? ये लोग कैसे पूरी दुनिया से हट के सोचे और इतिहास रच दिए? सिर्फ एक रीजन से, और वो है सोच। ये लोग बस सोच लिए थे कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है। टाइम लगा, लेकिन आज बन के बैठे हैं। मेरे भाई, इंसान की सोच ही डिसाइड करती है कि उसे क्या बनना है, क्या करना है और कहाँ जाना है। अगर तुम्हें भी 100 में से 100 नंबर चाहिए ना, तो बस अपने अंदर गांठ बांध लो। चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे 100 में से 100 लाना है। अगर तुम्हें भी टॉपर बनना है तो अपने आप को 2 थप्पड़ मारो और बोलो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे टॉपर बनना है। कैसे बनना है, चलो मैं बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शन। देखो यार, पूरे 24 घंटे में तुम्हारा एक एक सेकंड कहाँ जा रहा है, बिल्कुल अच्छे से देखो, एनालाइज करो। पढ़ाई के अलावा जितना भी टाइम कहीं फालतू कामों में जा रहा है, जैसे दोस्तों से मिलने में, सोशल मीडिया में, बाबू सोना में, सारे चुंगलों से बाहर आओ, खुद को एक अलग जोन में कर लो और फिर बुक उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। अगर इन सब चीज़ों में तुम उलझे रहे तो जिंदगी भर इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहोगे। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम अपने आप को जितना खाली रख सकते हो रखो। तुम अभी सिर्फ अपने सपनों पे ध्यान दो, अपने सपनों के बारे में सोचो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। पॉइंट नंबर 2, अगर सच में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकालो और उसे पढ़ो। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सब उसी के बेस पे आते हैं। टॉपर का एक सीक्रेट होता है, और वो ये है कि वे हर साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़ते हैं, जिससे कि उनका माइंड पहले से खुल जाता है और उन्हें पता लग जाता है कि उन्हें क्या चीजें पढ़नी चाहिए और क्या नहीं। पॉइंट नंबर 3, मेक अ रोड मैप। मतलब किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ चुके हो, कितना बाकी है और कितने दिन में पढ़ लोगे, सो ये सब देखो और एनालाइज करो। अगर किसी सब्जेक्ट में एकदम वीक हो तो उस पे ज्यादा टाइम लगाओ, उस पे ज्यादा फोकस करो। और अगर अभी तक तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो मेरे भाई, तुम महान हो, सच में। लेकिन ध्यान से, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो इसलिए बुक्स उठाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। पॉइंट नंबर 4, डू स्मार्ट स्टडी। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो बैठ के एक एक पेज पढ़ने का टाइम किया, जैसा कि मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को पढ़ो, उसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा। नाउ अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गया तो हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट समझने की कोशिश करो और फिर खुद से रफ पे राइट करो, उसे सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो, ताकि जो भी पढ़ रहे हो वो तुम्हारे दिमाग में रहे और उसे कभी नहीं भूलोगे। मीन्स जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, उसे अच्छी तरह रट डालो। पॉइंट नंबर 5, फोकस ऑन योर सेल्फ। देखो मेरे भाई, तुम हेल्थी रहोगे, फिट रहोगे, तब तो पढ़ पाओगे ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत तेज फीवर लगा हुआ है और तुम मस्त बैठ के पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले अच्छे खाने पे फोकस करो, हेल्थी चीजें खाओ और अपने आप को, अपने बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए एक्सरसाइज करो। मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है यार मेरे दोस्त। इन 5 बातों को अच्छी तरह अपने जीवन में बैठा लो, गारंटेड है इस बार 2023 में 100 में से 100 लाकर ही रहोगे, आई गारंटेड। 100 आउट ऑफ 100 कहीं नहीं जाने वाले हैं, जब तक तुम खुद से चीट ना करो। सो ऑल द बेस्ट।